हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। वी विल डू बॉटनी चैप्टर नंबर फर्स्ट, रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट। इन द प्रीवियस वीडियो वी हैड रीड अबाउट वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एंड टुडे वी विल अंडरस्टैंड अबाउट आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कैसे होता है, और अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है। दिस मेथड आर डिवाइज्ड बाय ह्यूमन। ये जो मेथड होता है ये रेडी किया जाता है या तैयार किया जाता है किसके द्वारा, ह्यूमंस के द्वारा, एंड यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ प्लांट। इसका यूज़ किया जाता है किसके लिए, प्लांट के कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए, या फिर आप इजी लैंग्वेज में ऐसे समझ लीजिए कि जो प्लांट का व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, वहाँ इनका यूज़ किया जाता है। मेन मेथड ऑफ आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन आर, कुछ मुख्य मेथड होते हैं किसके, आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन के, जो कि आपको नीचे दिखाए गए हैं। फर्स्ट इज़ कटिंग। कटिंग में भी दो मेथड आते हैं, स्टेम कटिंग एंड रूट कटिंग, जो स्टेम से होने वाली कटिंग होते हैं और जो रूट से होने वाली कटिंग होती है। सेकेंड इज़ लेयरिंग। लेयरिंग फिर से दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, फर्स्ट इज़ सॉइल लेयरिंग एंड सेकेंड इज़ एरियल लेयरिंग। थर्ड इज ग्राफ्टिंग। देयर आर फोर टाइप्स ऑफ ग्राफ्टिंग, फर्स्ट इज टंग ग्राफ्टिंग, सेकेंड इज वेज ग्राफ्टिंग, थर्ड इज क्राउन ग्राफ्टिंग एंड फोर्थ इज बड ग्राफ्टिंग। सो फर्स्ट वी विल रीड कटिंग मेथड। कटिंग मेथड में अभी हमने समझा था कि ये दो तरीकों से हो सकता है, फर्स्ट होता है स्टेम कटिंग एंड रूट कटिंग। तो सबसे पहले हम स्टेम कटिंग को समझेंगे। इन दिस मैथड स्टेम ऑफ प्लांट इज कट इन टू स्मॉल पीसेस। इस मैथड में जो प्लांट की कटिंग की जाती है उसे छोटे छोटे से पीसेस में या टुकड़ों में काटा जाता है, एंड देन बेरिड अंडर सॉइल। उसके बाद उसे सॉइल के अंदर में दबाया जाता है। दिस आर मैनी फैक्टर विच अफेक्टेड वेजिटेटिव प्रोपिगेशन बाई स्टेम, सच एज लेंथ ऑफ ग्राफ्ट, एज ऑफ मदर प्लांट, इन्वायरमेंट ड्यूरिंग प्रोपेगेशन एक्सेट्रा। यहाँ आपको ये समझना है कि जो स्टेम के थ्रू जितने भी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हो रहे हैं उसे बहुत सारे फैक्टर होते हैं वो अफेक्ट करते हैं। तो अब आपको यहाँ समझना है कि जो फैक्टर होते हैं वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट इज़ लेंथ ऑफ ग्राफ्ट। आपने कटिंग के लिए जो स्टेम लिया है या ग्राफ्टिंग के लिए जो स्टेम लिया है उसकी लेंथ कैसी है। एज ऑफ मदर प्लांट, जो आपने पेरेंट्स प्लांट से या जो मदर प्लांट से आपने एक पीस लिया है स्टेम का, उसकी एज कितनी थी। इन्वायरमेंट ड्यूरिंग प्रोपेगेशन, प्रोपेगेशन के दौरान जो इन्वायरमेंट होता है वो कैसा है, ये कुछ फैक्टर होते हैं जो अफेक्टेड करते हैं स्टेम को। फॉर एग्ज़ाम्पल सुगर कैन, ग्रेप्स, रोज़। यहाँ कुछ एग्ज़ाम्पल दिए गए हैं सुगर कैन, ग्रेप्स और रोज़ के, आर बिंग प्रोपेगेटेड बाय स्टेम कटिंग, जिनको हम स्टेम के थ्रू फिर से न्यू प्लांट में कन्वर्ट कर सकते हैं। या फिर ऐसे समझ लीजिए कि सुगर कैन, ग्रेप्स, रोज़, ये जो प्लांट है, अगर इन्हीं के एक स्टेम को आप कट करके फिर से मिट्टी में लगाते हैं तो एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो जाएगा। अवर सेकेंड मैथड इज रूट कटिंग। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन थ्रू रूट इज डन इज लेमन, गवावा, एप्पल, चेरी एक्सेट्रा। रूट के थ्रू होने वाले जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है वो किस किस में देख सकते हैं आप, तो वो आप देख सकते हैं लेमन में, गवावा में, एप्पल में, चेरी एक्सेट्रा। और भी बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जिनमें रूट कटिंग देखी जा सकती है। स्टेम कटिंग और ग्राफ्टिंग आर पुट इन हॉरिजेंटल पोजिशन। जो स्टेम या कटिंग ली है आपने, प्लांट का पीस लिया है, उसे आपको हॉरिजेंटल पोजीशन में रखना होता है, सो दैट एडवेंटिटियस बड कैन बिकम एक्टिव, जिससे जो एडवेंटिटियस जो बर्ड होता है, बर्ड मतलब एक तरीके से आप इसे एग्जांपल के थ्रू समझें कि साइडों से क्या होता है कि छोटे छोटे से लीफ लाइक स्ट्रक्चर निकली होती है। यही लीफ लाइक जब स्ट्रक्चर हम इसको सॉइल के अंदर में लगाते हैं तो यहाँ से बर्ड निकलना स्टार्ट हो जाता है, और यही बर्ड होता है वो डेवलप होकर फिर से एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करता है।